हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीषा कुकिंग क्लासेस। आज हम बना रहे हैं होममेड चिकन पिज्जा, वो भी बिना ओवन के। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा लास्ट तक देखें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन, तो पिज्जा आपका बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनेगा, वो भी घर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यहाँ मैंने 100 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच नींबू का रस डालेंगे, आप चाहे तो विनेगर डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च आपके स्वाद अनुसार, कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए, और नमक स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, फिर पकाएंगे। 10 मिनट बाद पैन में मैंने आधा चम्मच मक्खन लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे, गैस का फ्लेम लो रहेगा। इसे तब तक भूनना है जब तक ना चिकन अच्छे से कुक हो जाए अंदर से। चिकन जो है वो अच्छे से कुक्ड हो चुका है। अब इसमें हम वेजिटेबल ऐड करेंगे। यहाँ मैंने टोमेटो, कैप्सिकम और प्याज लिया है, इसे हम डाल देंगे और थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए इसे चलाते रहेंगे धीमी आंच पर, ज़्यादा नहीं पकाना है। दो मिनट बाद इसे हम निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। यहाँ मैंने फ्रेशो का रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लिया है, 42 रुपीज़ लगा है और 3 बेस मिल जाता है आपको। मैंने ये बिग बास्केट से लिया है। आप चाहे तो घर में भी पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं। जैसे हम पराठा बनाने के लिए मैदा डो बनाते हैं, उसी तरीके से आपको डो बनाना है। सिर्फ उसमें 2 चीज़ें और डालना है, वो है बेकिंग सोडा थोड़ा सा और बेकिंग पाउडर। आपका पिज़्ज़ा बेस बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस का थिकनेस। पिज़्ज़ा बेस को एक स्टील या फिर एल्युमिनियम प्लेट में रख दें। उसके बाद बेस के ऊपर हम थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे, इससे बेस जो है वो नरम रहता है। हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ सारा इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ रहता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। मैंने यहाँ पर विंग रिंग फार्म्स का पिज़्ज़ा सॉस लिया है रेडीमेड। इसका प्राइस जो है वो 75 रुपीज़ है। आप चाहे तो घर में भी पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं, मैं बताऊँगी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस के ऊपर हम सॉस लगाएंगे। घर में पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए कटोरी में टोमेटो केचप, सूखा लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कूटा हुआ लहसुन, नमक, चीनी, ओरिगैनो और गरम तेल एक साथ मिक्स करके पिज़्ज़ा सॉस आप बना सकते हैं। देखिए बेस पर मैंने सॉस लगा दिया है। यहाँ मैं ब्रिटानिया का चीज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ मिक्स किया हुआ रहता है, जो पिज़्ज़ा के लिए परफेक्ट होता है। इसका प्राइस जो है वो 150 है, 200 ग्राम। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, आपके ऊपर है। थोड़ा सा हम ग्रेट करके चीज़ डाल देंगे इसके ऊपर। अब चीज़ के ऊपर हम टोमेटो, प्याज, कैप्सिकम और चिकन को डेकोरेट कर देंगे अच्छे से। अब इसके ऊपर हम ग्रेट किया हुआ चीज़ और डालेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ये घर में बनाया हुआ है। सूखा लाल मिर्च को आप तवे पे थोड़ा सा सेक कर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर ले, चिली फ्लेक्स बन जाएगा। ओरिगैनो, यहाँ पर मैंने हैप्पी शेप का ओरिगैनो लिया है और इसका प्राइस जो है वो 99 रुपीज़ है। थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे। चलिए ये रेडी है, इसे अब हम कुक करेंगे। कोई भी पुराना बड़ा वाला बर्तन ले ले, उसे 5 मिनट के लिए गर्म करें। पिज़्ज़ा बेस के चारों ओर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करें, ताकि पिज़्ज़ा बेस सॉफ्ट रहे। एक स्टैंड ले ले स्टील का, अगर स्टील का स्टैंड नहीं है तो कटोरी रख सकते हैं, और उसके ऊपर हम पिज़्ज़ा बेस का जो प्लेट है वो रख देंगे और एक प्लेट के ज़रिए ढक देंगे और इसे करीब लो फ्लेम में 8 से 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 10 मिनट बाद देखिए चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं प्लेट में। गर्मा गर्म चिकन लोडेड पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। इसे आप टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर ओरिगैनो या फिर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।